ई मेवात में जितना लोग रह रहे हूं वो सारे मुसलमान है? हां मुसलमान ने वो मुसलमान मुसलमान सर। मेवन में कोई हिंदू या सिख ना है? ना हिंदू सिख ना है, शहर में है खत्री हिंदू जो शहर है, और ये खो यासीन इंडिया में रहे वो। हाँ। इंडिया वाले यासीन कहे हो नहीं जानो, वो यासीन कांग्रेस को होएगो? हाँ कांग्रेस को हो। अच्छा, और ये खान बाजा कहे को पाकिस्तान जानो पड़ेगा उनको, और मेवन को हुंतरा जो हमेशा होता रह रहे हो कि वो भी बहुत हजार दो दो चार हजार गरीब बस्ती है, उनका भी हिंदू का भी ऐसा ही जा रहा है। हाँ। वो टूटा बड़ा ये जो इलाका हमारी आड़ी भी सुन। हाँ। तो इनको कभी आदमी वो मार दे, वह कभी वह मार दे, कभी थाने में ना जाए कराए। हाँ। दोनों पार्टी। हाँ। तो हूं तो लड़ाई छिड़ी सबसे। अच्छा। पहले बिंदु हाथ की आंख में दी गोली, अपने की आंख में गोली लगी है, फिर हाथ चीख मार के पीछा दी है। जब मैं अपने चार दफे फेर करा, जब दुनिया बदली है, जब मरा है शराब भुतरा मर गया कि एक बार, फिर ऐसा चलती चलती फिर हमारे राज भरतपुर में लड़ाई होगी। हमारे राज भरतपुर राजा हो जाट, जाट जाट ही हो। अच्छा, वाली की मैं जाटिस्तान बनाऊंगा ही। पाकिस्तान के बाद में हुई है, पहले पाकिस्तान में नाम ना हो जो हम भगा गांव में। अच्छा अच्छा। हाँ, जब तब जब तब जब तब चले करे कांग्रेस महासभा मुस्लिम लीग पता ही ना हो दुनिया कहा चीज है। साला सोहरा सास बात हो रहे, साला सोहरा सास वो सब रहेगा, हून रहेगा, वो जगह में बहन रहेगी बड़ी। अच्छा, बहन भी वहाँ हून रहेगी? यहाँ तो 6 महीना होगा जब हम गया, दोनों जी हमारा और दोनों जी मुझ छोटो भी और भाई भैया, तो उनकी 80-80 साल उम्र ही, हमारी 85-85 साल ही दोनों उनकी। अच्छा, तो हम बॉर्डर पे गया, हमने कागज पत्र सब भरवा लिया, वो इंडिया से भी कागज बन गया आगा हमारा। अच्छा, और हम इस बॉर्डर पे गया है। हाँ। पाकिस्तानी ने तो हम पर निकाल दिया, इंडिया वाला ने फिर हम वापस कर दिया, ना जान दिया। हम लोग कोई तकलीफ ना है, अल्लाह ने सब कुछ दे रखो हम लोग। अच्छा, कोई किसी को कमी ना है। हाँ? लेकिन वतन याद जरूर आवे, वतन जो हम पैदा हुए हैं वो याद जरूर आता है। अस्सलामु अलैकुम, सत श्री अकाल, प्रणाम। एक मरतबा फिर आपके साथ आपका दोस्त खयाम चौहान। और जनाब देसी इन्फोटेनर का आज का जो हमारा शो है, आज की हमारी जो किस्त है, ये आप थोड़े से हैरान हो रहे होंगे कि हम इसको पंजाबी में करने की बजाय उर्दू में कर रहे हैं। लेकिन हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, आज हमने सोचा कि थोड़ा सा इसको मुख्तलिफ अंदाज दिया जाए। और आज जिन बुजुर्गों से हम आपको मिलवा रहे हैं उनका ताल्लुक पंजाब से नहीं है, बल्कि उनका ताल्लुक मेवात से है, मेवात का इलाका जहाँ पे लोग मेवाती बोलते हैं। तो आज हमने ये फैसला किया कि देसी इन्फोटेनर के आज के प्रोग्राम को थोड़ा मुख्तलिफ टच दिया जाए और पंजाब से थोड़ा बाहर निकला जाए। इसलिए हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, और आज भी आपने उसी तरीके से हमारा साथ देना है जैसे आप पहले हमारा साथ देते होते हैं। तो इस किस्त को भी मुकम्मल देखिएगा और बहुत सारी चीज़ें आपको नई मिलेंगी। और फिर ख़ास तौर पे हमारे वो लोग, हमारे मेऊ भाई जो हैं मेवाती बोलने वाले, भले वो पाकिस्तान में हों भले वो हिंदुस्तान में हों, उनके लिए भी यकीनन ये एक बहुत खुशगवार किस्म का सरप्राइज़ है जो आज देसी इन्फोटेनर की टीम लेके आई है। और आज हमारे साथ जो बुज़ुर्ग मौजूद हैं, इनका नाम है हाजी नूर मोहम्मद नंबरदार, और हम इस वक्त बैठे हुए हैं तोतल गांव में। तोतल गांव जो है ये पत्तों की के बिल्कुल साथ वाक़या है, और पत्तों की बाईपास से गुजरती हुई गाड़ियां आपको पसमंजर में
नजर आ रही होंगी। मैंने इससे पहले आपको शुरू में तोतल गांव के कुछ मनाजर भी दिखाए। तोतल गांव में जो एक मंदिर है और साथ मस्जिद है, उसके नज़ारे भी आपको नज़र आए होंगे। और इस वक्त हम बैठे हैं हाजी नूर मोहम्मद साहब के ईंटों वाले भट्टे पे, और मेरे साथी मौजूद हैं जनाब फैसल अली मेऊ, जो आज के हमारे इस इंटरव्यू में हमारा साथ देंगे। फैसल जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत दिल खुश हो रहा है कि आप लोग जो हो अपना पंजाबी का इंटरव्यू करो, हमारी कौम आगे नहा रही है। सबसे पहले हम लू ये बताओ कि हूं मेवात सू कौन से गांव से आया होता? लावना गांव है। अच्छा, तहसील पहाड़ी है। तहसील पहाड़ी का गांव लावना। लावना रियासत भरतपुर। रियासत भरतपुर। और हूं और कौन से गांव? हाँ, हमारे साथ साथ हाँ खंडेवाड़ा है, आलमपुर है, बिजासना है, गोपाल है, पहाड़ी तहसील है हमारी। अच्छा, ये पहाड़ी जो शहर ही तमसु कितना दूर ही? तकरीबन दो कोस ही। दो कोस। अच्छा, गोपालगढ़ ये कोस है, वो भी कस्बा ही है। अच्छा अच्छा, ये मेवात में जितना लोग रह रहा हूँ वो सारा मुसलमान है? हाँ, मुसलमान। मेव मुसलमान। मुसलमान सारे। मेवन में कोई हिंदू या सिख ना है? ना, हिंदू सिख ना है। शहर में है खत्री हिंदू, जो शहर है उनमें हिंदू है, लेकिन मेवात जिला गुड़गावा और अलवर भरतपुर में मेवन की तादाद ज्यादा है। मेवन की तादाद ज्यादा है। दादा, अपना गांव लावना है ना? हाँ, अपना गांव लावना में कितना को मेव बैठा है? गांव में बाबा का था तकरीबन 50-60 घर है। 50-60 घर है। तो और कमी कारी है। हाँ, और कमी भी है, 80-90 घर बन जावे। तो अपना हूं सु कितना घर उठ के आ गए ही ना? हम आ गए कम से कम 15-20 घर। 15-20 घर। 15-20 घर सिर्फ लामना सु आया? लामना सु आया। और मेवात सु कितने लोग आए होंगे? मेवात तो भैया कहां पता था काय को हमने कहां अपन दा लाखन में तादाद। लाखन की तादाद। लाखन की तादाद थी वहां से पहले 1947 से पहले। हूं जो मेव रह रहा सारे मुसलमान है? मुसलमान है सारे। अच्छा, तो जो शहरन में खत्री भी हैं? खत्री हैं सर, में हिंदू बनिया जिनसे बोले। अच्छा, वो कह कर हाँ? वो ये दुकान ही उनकी, हर चीज की दुकान है उनकी, परचून की, कपड़ा की, हर चीज की दुकान है शहर में। अच्छा, मेवन की बहुत कम दुकान है। उन लोगों ने गुजान जो जमींदार है सारा ही मेव वहाँ हूँ जमींदार है। जमींदार है सारा मेव। दादा हूँ ना, अब किन किन जिला में मेव ज्यादा बैठा हुआ है इंडिया में? हाँ जी, गुड़गांव में ज्यादा है। हाँ, भरतपुर में ज्यादा है, अलवर में सब ज्यादा है। गुड़गावा में, अलवर में और भरतपुर में। इस सारे गांव में रह रहा हूँ। हाँ, सारे गांव में रह रहा हूँ। शहर में नहा? ना, शहर में अब कोई चंद होगा है शहर में। अच्छा, ये रियासत जो है मेवात रियासत ही हूँ? मेवात तो एक इलाका है। इलाको है। और रियासत तो बता रहा हूँ, रियासत अलवर, रियासत भरतपुर, जिला गुड़गावा। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ में ना आ रहा आपके में? दादा हूँ दो रियासती। दो रियासत ना, 22 रियासती हिंदुस्तान में। हाँ, मेवात की दो रियासती, भरतपुर और अलवर। अलवर। दादा हूँ भरतपुर में और अलवर में कौन राजा हो? राजा हमारा तो विजेंद्र सिंह वा टाइम पे। अच्छा, इन दोनों रियासतन में एक ही राजा ना, हो? वहाँ को अलग हो, वहाँ को रियासत को अलग हो। हाँ, अलवर कहा नाम हो? कहा नाम हो जरूर, वहाँ राजा अलग हो और हमारा राजा अलग हो। अच्छा अच्छा, दोनों में स्काई का भी नाम याद ना है? हमारा विजेंद्र सिंह बताते रहूं, विजेंद्र सिंह, विजेंद्र सिंह वो भाई छोटो बच्चू सिंह वाको तुमने पता हो अपने राजा को। अच्छा दादा हूँ ना, कोई सिख भी हैगा? हा? ना, सिख हमारे मेवात में है ही ना है। अच्छा, हमने देखा ही ना है सिख, यह इलाका में आर देखा है। अच्छा, यह इलाका में आर देखा है। और इलाका के बारे में अपना बता, कैसा इलाको हूँ को? हमारा इलाको बहुत अच्छा हो। हाँ, नहरी इलाको ना हो। हाँ, कुछ इलाको नहरी हो। सही, जिला गुड़गांव में। अच्छा, कुछ इलाको, लेकिन नहरी इलाका है, तो हम जो बरानी इलाका का आदमी है। हाँ, हम बहुत खुश था। अच्छा अच्छा, हमारे हमने कभी कहा देखो इधर। हाँ, तो हूं सुनने में आवे पानी पूनी की बड़ी कमी है। कौन सा पानी की? यानी के पीण पूर्ण वाला पानी की मेवात में? भाई मेरी बात, चंद गाँव ऐसा है की जिनमें पानी की कमी ही, लेकिन हम चार गाँव पानी तार हुआ हमारे वहाँ गाँव से पानी पी गए। अच्छा, इनको गांव जो खंडेवाड़ा हो हमारे साथ, वो है मुंडे की, और वो हमारे गांव से पानी पी गया। अच्छा, वह ना हो पानी। तो फिर जब हूं सु आया
तो तुम्हारा गांव का इतना 17-18 घर आया है और हून भी कुछ रहेगा। हाँ रहेगा। अच्छा तो ये कैसे होगो के तम ही नागार वे हूँ रहेगा। तो तड़ी पे जाको धक्को लो अंजल पानी आ गई इतलो आगो जो रहेगो तो रहेगो वा टाइम ना। तो वा टाइम तुम्हारे दर्द तकलीफ ना हुई के कैसे हम छोड़ के जा रहे हैं अपना नहर कैसे वे जा रहे हैं। तकलीफ हुई की ना हुई लेकिन वो पाकिस्तान बन गो मुसलमान के लिए जानो पड़ेगो। नहीं तो नू भी तो है ना कुछ भाई हूँ रहेगा कुछ ही रहेगा एक दूसरा को दर्द ना हुई हो के खींच पे जावे। अब तक भी दर्द है। हाँ के देख मेरो भाई ही ने हाँ। मेरी बहन ही ने मैं हूँ जा रहा हूँ तो कैसे तुमने सह लियो वक्त सही लियो। फिर अब क्या करे मजबूरी हो गए हम कहा करे जिनको धक्को लगो आगा। अच्छा ये बात कौन ने कही की हिंसू जानो पड़ेगो हिंसू भाई मेरी बात सुन। हमारा लीडर हम यो दो एक तो या जाने तो जान सरदार तो पहले जाने खान बहादुर हाँ हाँ। और ये खो यासीन इंडिया में रहेगा हाँ। इंडिया वाले यासीन कहे हो नहीं जानो वो यासीन कांग्रेस को होएगा। हाँ कांग्रेस को हो। अच्छा और ये खान बहादुर कहे को पाकिस्तान जानो पड़ेगा। ये खान बहादुर कह रहे हो पाकिस्तान जानो पड़ेगा। ठीक हाँ। है ठीक है ऐसे इनकी बहस होती रही भाई। सबसे बड़ी बात है जाकर अंजल पानी लगो वहाँ टाइम पे वहाँ को धक्को लगो आगो जो रहेगा टिको रहो। हमसे हम आया आखिरी गाड़ी में हमसे पीछे कोई गाड़ी ना आई है। काई ने जबरदस्ती निकालो हूँ सु हाँ कौन ने आके देख मैं बताता हूँ। ये तो सिटोरी में तो कह रहा हूँ जाके पूछेगा तो शाम तक भी ना मुके। हमारे मेवात में पहले सबसे पहले लड़ाई है जिला गुड़गावा में हाँ। मेवन को इलाकों तो बताए मेव है या मेवन के साथ जाठन को इलाकों पड़ेगा कौम ही जाट हाँ। ये सिकंद सुजट के हैं वो कौम जाट ही उनको और मेवन को हुंतरा जो हमेशा होता रह रहे हो कि वो भी बहुत हजार दो दो चार हजार घर बस्ती है उनका भी हिंदू उनका भी ऐसा ही घर है वो टूटा बड़ा ये जो इलाका हमारी आड़ी भी सुन तो इनको कभी आदमी वो मार दे वह कभी वह मार दे कभी थाने में ना जाए कराए दोनों पार्टी तो हूं जो लड़ाई छिड़ी सबसे पहले वहाँ ने रोहतक तक का जाट बुलाया उनने। अच्छा वहाँ जब एक रास्ता में पड़े ही रख वहाँ उन्हें इकट्ठा करा पता नहीं हजार करा लाख करा दो लाख करा तो जब जाके इन कोर्ट हमारे मेयर का गांव कोर्ट उठा बड़ा बहुत बड़ा बड़ा गांव है कि इनने फतेह का मेवा तो फतेह करेगा हिंदू ने कही तो जब वे उनने चढ़ाई करी है तो ये हमारे मेयो हो टोंटो और ये खात नहीं सुना हूँ वे हाथी पर चढ़ के वो और शेर बांध के जब चढ़ावे मेवात में मैं आपको बताऊं तो वो टोटा ने वो ऐसे करके बिंदु हाथ की आँख में दी गोली हथनी की आँख में गोली लगी है फिर हल्के चीख मार के पीछे आती है जब मेव चढ़ान पे वहाँ ने गोली मारी हाँ बाकी आँख में गोली दी है ना हथनी की में। अच्छा अच्छा हथनी पे चढ़ के रात शेर बांध के मेवात फतेह करने के लिए। अच्छा कि मेवात को आज साफ कर देगा जाट। हाँ जाट। अच्छा अच्छा ये जाट कौन सा जिला कहाँ हूँ वो गुड़गांव में जिला जिला और हिंदुस्तान में थोड़ा जिला है 22 तो रास्ता हिंदुस्तान में। अच्छा अच्छा हाँ। तो फिर वो जैसे हथनी पलटी थे पीछे लू फिर मेव एक बंद बोर्ड लगा बैठा मेव भी लेकिन जब मेव ने चार चप फेर करा जब वो दुनिया बदली है जब मरा है सरा भुतरा मार गया जाना कितने एक बार फिर ऐसा चलते चलते फिर हमारे राज भरतपुर में लड़ाई होगी हमारे राज भरतपुर राजा हो जाट ही हो। अच्छा वाने की मैं जाटिस्तान बनाऊंगा ही। अच्छा वाने कही कि मैं यहाँ जाटिस्तान बनाऊंगा। अच्छा वहाँ तो 47 की बात है तो मैं फिर वहाँ में ये हिंदू को यकीन कच्चो है ये वेद देखा जब ये राग तिहारी मंगलवाण जीत नहीं तो मैं उनसे जीतना है। अच्छा राजा सो कही। अच्छा भाई तुम मंगलवार मेवन सु जीत न सकोगा। हाँ मंगलवार दिन तुम जीत सको। अच्छा 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 8 दिन मंगलवार दिन चढ़ाई करावे उनके साथ मिलिट्री भी रही हिंदू भी रहा। अच्छा हजार दो चार हजार जासूसी तो रही ना मेवन ने पता लग जाओ तो गाँव ने खाली कर दिया निकल जावे गाँव ने जला जावे है। अच्छा ऐसे हमारे यहाँ भरतपुर टोटली मुसलमान सुखारी हो। अच्छा कुछ जिला गुड़गांव में चले गए कुछ रात अरुण में चले गए भरतपुर खाली मुसलमान से खाली होगी। अच्छा और लड़ाई भी हुई खूब मारामारी भी हुई है। अच्छा 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 फिर कुछ अलवर में चले गए कुछ गुड़गांव में आ गए क्योंकि रिश्तेदारी तलक बात तो है ना लोगों का एक बिरादरी ही। फिर जो हमारा
राजा है ना भरतपुर वालों, वहाँ को भाई बच्चू सिंह, बच्चू सिंह वो चलो अलोर वाला राजा पे कि तेरी तरह मियो गल लगा रखा है ऐसे कही मैंने। अच्छा त्योहारो तेरो बाप मियो ने लंदन मरवायो। अच्छा यासीन ने बाकी मियो की लड़ाई होगी तो यासीन ने मुकदमो करो तो लंदन से मरवायो। अच्छा अच्छा वहाँ को राजा अलोर को राजा मरवायो लंदन से, लंदन से मरवायो। अच्छा तो जब जाके हिंदी तेने गल लगा रखा मियो अब भी बच्चू सिंह ने कहा हाँ। भाई बाने पे फिर बाने हूँ मियो मरा वहाँ में, वो कुछ इलाकों पहाड़ी इलाकों है तो वहाँ में मियो बहुत मरा है, वहाँ बमबारी भी करी है इन पे, फायरिंग भी करी है, मिलिट्री ने मारा है, हिंदू ने मारा है, लेकिन फिर भी लिखा के फिर जिला गुड़गांव में टोटली आ गया सारा। अच्छा ये सारा मेवात का जिला गुड़गांव में इकट्ठा होगा, जिला गुड़गांव में इकट्ठा होगा। अच्छा। जैसे अभी भट्टो सौ दो घर ही पड़ा है, जैसे भी कई को जरियो हो, कई रिश्तेदारी हो, बैठो कोई किसी को ना हो, कोई ऐसे पढ़ो, जिला गुड़गांव में भी टोटली इकट्ठा होगा मुसलमान जितने मियो हैं, दोनों रास्ते खाली होगी मुसलमान से। फिर सुनी भाई पाकिस्तान बढ़ गो। अच्छा ये सारी मार पाकिस्तान बढ़ने से पहले पड़ी, पहले हुई है यहाँ वापस सिलसिला चल रहा हो। अच्छा चल रहा हो लेकिन एकदम सुनी पाकिस्तान बढ़ गो। अच्छा फिर नौकरी भाई है, हम तो तक नहाया पीछा है, 17 तारीख को काफलो हो जो हाँ। मैं गाड़ी आई जा में यहाँ से उठो है काफलो और दूसरो काफलो हूँ आर पड़े हो, इतना टाइम लगे एक ऐसा एक लाख 80,000 तो गाड़ी। अच्छा जब आया हमारे मेयर के इंसिडेंट में इतना बाढ़ होगा ना नाई ना इतना भूत इतना भूत बुलाए। अच्छा जब आया अच्छा महीना दो महीना में सफर कर दे कोई फिर ऐसे हो जाओ आदमी। अच्छा भूख इसमें आया कुछ मिलो ना मिलो फिर खतरा फिर तेरी गाड़ी कट गई रास्ता में। कट गई भूख कहाँ कटी? यही कटी वो तेरे रोड तक हमें अमृतसर जलंधर उरे उरे पर ही उरे काटे हैं गाड़ी से। अच्छा हीन मेमन की गाड़ियाँ भी कटी? कटी मेमन की भी, मेमन की भी कटी है, वो तो गाड़ी कटी है ना, वो वैसे तुम भी ना ये लाखान में। अच्छा गाड़ी कटी है। अच्छा यार एक मेरा से जागवाड़ा में वो उसे तो कटा पड़ो बेचारा पर जिंदा हो नहीं हम आया हुआ गाड़ी में मैं बच गो किस्मत जाने में कैसे बच गए सोचे गाड़ी काट दी। अच्छा अभी भी जिंदो है? मर गो तुम मर गो कटो पड़ो सारो कटो पड़ो हाँ जीगे जीगे सुनो। ओहो अच्छा तो आने तो अच्छा दादा फिर तम हूं सु आया हाँ। फिर हीन कैसे आके मैनेज हुआ के हीन कैसे रहा सया दिल लग गो कहा कहा अब ये बात बताओ मैं तो नाराज ना होएगो हाँ हम बता रहा हूँ एक साल पीछा है हाँ हमारे साथ 1948 में आया हो तुम हाँ या नारुकी में हमारे खानदान जो हो सारो बसो पाए तुम सभी हाँ नारुकी में नारुकी माझा हाँ। अच्छा हाँ। फिर ही नया और भी लोग बसा पाया तो फिर तो तुम बहुत कुछ हुआ होगा के और भी तो हम आया बाल्टन कंप में हाँ। हम रहा में 8 दिन। अच्छा फिर हमने पता लगा कि नारू के गांव है वहाँ हमारा खानदान सारो आबाद है हमारे जेलदार भी है हमारा खानदान भी है सारो फिर हम ही नारू के में आ गए। अच्छा ये अच्छा जेलदार की थोड़ी सी हिस्ट्री बता दे कैसे अब तू बड़ो बूढ़ो है थोड़ा सो वा बारा में भी रोशनी कर दे कैसे, का, कैसे? कोई भी बात जो जेलदार हो जो हो हमारे 757 को चौधरी हो 757 हमारी मेवात में पाल हो कर रही डैम रो दूलो छिड़कलो नाई पाल ही हमारे 12 पाल और 52 गोथा मेवन का हाँ, 52 गोथा 52 गोथ और 12 पाल ही तो हमारे 757 गांव हमारे 757 को चौधरी हुई। अच्छा इब्राहिम को बाप हो जो नाम कहा वो का इस्माइल हाँ। अच्छा जब हम इनारू की में आया है तो हमारे गांव तो ऐसा हो जैसे मुंडे की हाँ। और इनको गांव है ऐसे जैसे तोतल तो ही ना ही एक गांव में बस गा। अच्छा पीछे की बात करूं मैं हाँ। इतनी दूर हो हमारे गांव तो हीन जब हम आया है हाँ ठीक है नारू की में आबाद हो गए हैं जब किला जीव जमीन मिलने लगी दुनिया को किला जीव मिली ही हाँ। तो भाई हम लोग जेलदार ने किला जीव जमीन ना दी। अच्छा मैं तो बताऊं अच्छा फिर एक सुरसिंह गांव है नूलू हाँ। सुरसिंह में हमारे सरदार है उनने कहा यार तब ना दी तो हमारे पे सारा गांव तकसीम करके 1.5 बरबर पेड़ी बछरी है तब वहाँ काबू कर लो
हमने कलेम दे दिया मुंडे जी का। हाँ। यह बात बिगड़ी, तुम मुंडे के कलेम ना दो, तुम नारू के दियो, जल्दा ने कही। तुम नहीं, हम जैसे हूं हमारा गाँव पिए पिए ऐसे रहेंगे तो अलग रहेंगे गाँव। हाँ। या बना दियो हमारे किला जी। फिर रिश्तेदार ने हमारा कही, हम हूं दो ढाई साल रहा इज्जत के हाल था, फिर हमारा कलेम आ गए मुंडे के मी गाँव में, मुंडे जाके रखबो है। हाँ। कलेम आ गए फिर हम लकबा लाठ हो गो। हाँ। 40 के लाल। हाँ। तो हमारे इतने भट्टो लग रो, दूसरों हूं नहीं हमारी जमीन ज्यादा तो हमने बेली है। अच्छा अच्छा। तो फिर हमने जमीन मिल गई, हम तो वह छोड़ के नहीं आ गए ही ना भाई। हाँ। फिर हम ना रुके के बजाय तो बस गया के बाद जमीन नहीं रहे। हाँ। अच्छा, जब तुम हून सु आया तो हीन का जो लोग आ जट्टा और बरादरी वगैरह वगैरह उनसु तो तुम्हारा कोई भी गाड़ सुधार ना बात समझ में आवे ना बोली समझ में आवे। हाँ। हम सुधे ऐसा चढ़ा कर राजस का बस का पर। अच्छा वो पे। अच्छा तो तुम जब हमने पहली अलाट हुई। हाँ। तो जो हम जाता पहले हो मामा लगवा पहले के तुम। अच्छा भाई मामा ना लगे ना होड़े होड़े बाद में ला लो वही हमारा सुना हमारा पठान पाक रहा है वही हमारा नौकर मुजारा बन गया फिर वही। अच्छा जो अच्छा, रहा। अच्छा तो बड़ी ये तो तकलीफ वाली बात हुई होगी जब ये तमलू अकड़े आ तो कैसी कैसी बातें ने करे अलग इलाका सूर एक नया इलाका में मेवात सूर पंजाब में आके कैसी तम मैनेज होगा ना कोई समझ में बात आवे कहेगी वो कुछ कह रहा है हम कुछ कह रहा है ऐसी बात ही वह टाइम पर। अच्छा अच्छा हाँ तो मैं ऐसे भाई होले होले जब आप हूं सु आया हा तो कैसी तकलीफ भाई तकलीफ हमने मालूम कैसा दिल चिरा आपका बिल्कुल भागा डोला कभी कोई गांव में कभी कोई गांव में। तो फिर आगे ख्याल हो कि हम वाग इलाका में जाएगा पाकिस्तान तो बहुत बड़ो है पाकिस्तान तो बाद में हुई है पहले पाकिस्तान में नाम ना हो जो हम भगा गाँव में। अच्छा अच्छा जब 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 तो चले करे कांग्रेस महासभा मुस्लिम लीग ये पता ही ना हो दुनिया क्या चीज आदमी पहले। अच्छा तो यात वक्त पूरा पाकिस्तान में मेव बरादरी फैली पड़ी है कराची से लेकर पिशावर कहाँ तक तो कैसे ही बरादरी बिखर गई तो लाहौर आई कंपन में आई जिसको कुछ जी करो तो चलो को भी हम कहा करे बल्कि बल्कि यासीन ने बात कही ही जो लीडर पिछड़े को क्योंकि मेव तुम मेरा कहा ना मान रहो लेकिन जाओ तो तुम जिला साल कोटे ले लियो यार जैसे इलाको ये साल कोटे इलाको है। अच्छा लेकिन ना माने कौन माने भाई अब जैसे हम आपको बता रहे हमारा खानदान ही बस रहा सारा हम एक साल पीछा हम भी नहीं आगा ऐसे ही बस। हाजी नूर मोहम्मद साहब तिहारे कौन कौन सा रिश्तेदार हूं रह गए मवात में मेरा ग्यारह सौ रुपये रहेगा मैं ब्याह ने वो हूँ नहीं रहेगा जैसे मैं ब्याह साला सोरा सास बात जो रह गए साला सोरा सास हाँ वो सब रहेगा हून रहेगा मुझे मेरी बहन रहेगी मुझ बड़ी। अच्छा बहन भी वहाँ हून रहेगी हून रहेगी और भी नीड़े दूर रिश्तेदार मुस्तरा रहेगा एक चाचा चाचा बाबा में सुख रहेगा। अच्छा बहन सु बिछड़ने को दुख तो बड़ा होए होएगा तो रुक सुख अब कहा करे फिर एक बहन ही आ गई पहले हम तुम पहले मिल के आया हुआ सु हिंदुस्तान में बड़ा मरे हुए 6 महीने हुए मरे 100 साल की मरी है। अच्छा पूजन कितने बार होगी। अच्छा अच्छा बार छोरे बाकी 9 भी वो भी तेरी बार आई 10-20 बार जानना। अच्छा अच्छा अब भी आमे जामे हैं। हाँ अब आज आ रही आ गई हमारे भर जाई हूँ सु आ रही है हम हीन। हाँ। मिल हाँ मिलन भी आ रही है शादी अच्छा। भी हमारे शादी में भी आ रही है मिलन भी आ रही है। अच्छा वाक साथ कौन आ रहा है वाक साथ कोई भी नाम ना दियो बीज वाक छोरा लो। अच्छा एक लिए आ रही है एक लिए आ रही हूँ तो दुआ में बस कह दे बैठ जा लाहौर में संभालना सर का गए हुए एक लिए आ रही। हाँ बीज ना दियो छोरा लो छोरा लो बीज ना दियो। अच्छा 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 एक बहन को छोरो भी आ रहा हो वाले भी ना दियो बीजा अभी हूं रिश्तेदारी हो रही हूं और रिश्तेदारी हिंसु ना हो रही हूँ ना हिंसु हमारे रिश्तेदार ना भी कोई। दादा आपने वीजा के कहा परेशानी खूब परेशानी बहुत है परेशानी वीजा की या अपनी आवाज है दूसरा लोग बता के कितनी ये, परेशानी ये है। तो 6 महीने हो गया जब हम गया दोनों जी हमारा और दोनों जी मुझ छोटो भी और भाई बया तो उनकी 80-80 साल उम्र ही हमारी 85-85 साल ही दोनों उनकी। अच्छा तो हम बॉर्डर पे गया हमने कागज पत्र सब भरवा लिया वो इंडिया से भी कागज बन के आ गया हमारा। अच्छा और हम इस बॉर्डर पे गए पाकिस्तानी ने तो हम पर निकाल दिया इंडिया वाला ने फिर हम वापस कर दिया ना जान दिया कहलू भाई वो जब की बात है जब इंडिया किड़कर हारी बस 5-7 दिन पीछे की बात है।
जो चैंपियन ट्रॉफी हुई हारा ने इंडिया हाँ। पाँच सात दिन पीछे की बात है तो हार का गुस्सा 85 साल का बुजुर्ग सुन लिया हाँ, तो बस अब लगा है। अच्छा 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 हमने वो इंडिया में भी लगा है मेरे से ना तो बाबा तुमने या ना बताया मैं क्रिकेट ना खेलू हूँ अरे उनने जो देख रहे हैं 85-90 साल की तो हमारी उम्र ही उनने देखे वैसे चुनाव हो रही पाकिस्तान से। अच्छा तुमने ही ना के पिछतावो तो ना हो के हम ही ना गा बड़ी बात है लाला मैं बताऊं अल्लाह का शुक्र है चल या भाई ना तू तो अल्लाह ताला सब कुछ दे रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह मेवा तो भाई एक चीज है ना जब जी करे हमारे वाले अच्छा वो इस वजह से मेवात में बे मेवा है और कौन ना है अच्छा दादा तुम हीन तमलु कोई परेशानी तंगी तकलीफ कैसे महसूस करो हो तुमने कोई पिछतावो तो ना है आन को ना भाई मेरी बात सुनो हम लोग कोई तकलीफ ना है अल्लाह ने सब कुछ दे रखो हम लोग अच्छा कोई किसी को कमी ना है लेकिन वतन याद जरूर आवे वतन जो यहाँ पैदा हुए हैं वो याद जरूर आता है याद आता है और वो भी हमारे याद आता है जो औलाद ही की एक असल में तो वतन नहीं सब कुछ अल्लाह ने दे रखो कोई कमी ना है पाकिस्तान में हमें हर चीज की सहूलियत है मैं खुद नंबरदार हूँ मेरा लड़का चेयरमैन है और कोई किस्म की कमी ना है रिश्तेदार भी बेचारा चेयरमैन है कोई एमपी है कोई एमएनए है कमी ना है किसान की इब्राहिम है हमारे भतीजे वो खड़े हुए हम जदे वो एमपी बन गए एक बार अच्छा 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 लेकिन जो जन्म भूमि है वो ना भूले है ना भूले बल्कि वो याद आवे याद आवे है यही बस हम जावे नहीं हमारे काम कुछ नहीं हमारे काम अच्छा पानी हुई मर गई 9 बार होके आया हूँ सु तुम 9 बार जब 10 बार कई बार होगा याद ना है अच्छा बहान सु मिल के कब आया हो भाई वो तो डेढ़ साल हो गए जब भोर गई अच्छा 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 तो छोड़ आया हुआ संग आया हुआ कौन कौन से गांव देख के आया हूँ सारा गांव देखा हमने तो जितना भी गांव है अच्छा अच्छा नाम बताओ लो नाम गांव का नाम अरे हमारे गांव लावना हमारे सारे इनको गांव खडियोड़ो लावना में अब कौन रह रहे हो वहाँ में बीए भी रह रहा है मैं भी रह रहा है मुसलमान है फकीर है नाई है मिरासी है जोगी है मुसलमान है हिंदू नाई है घर को बाहर को हिंदू बस अच्छा अच्छा वो कहा कर रहे हैं जमींदार कर रहे हैं खेती बाड़ी कर रहे हैं अलवर वाला राजा सुवर्ण मुकदमा लड़के भेजो लंदन तो चलो जब हुआ कि रानी कह रही राजा की राजा सुरानी कहे तू दिल्ली ले जायो आगे मिल जाए यासीन खा तो पैर पड़ जायो अच्छा जब जाट ने बात कही वो तो छोरी मेव की मेरे ठाकर राजपूत पावन वगैरह ना पड़ो चाहे मेरी गद्दी जाए छूट तो गद्दी छूट गई तो मारा है लंदन से बात है नहीं अरे ये मेवन की तारीख कहाँ है ये राजपूत है भाई तारीख जब जिन्हें तो बने बताओ कोई मेरा से भी तो हम मेव तो एक मेवात का इलाका है मेव तो यह समझा दुनिया में मेव और कोई है ही ना है आई पता लगो तो पाकिस्तान में ऐसी कौम ही हाँ अच्छा मेव नूना समझा कोई और भी है दुनिया में क्योंकि वही लाखों तुल बता दो रियासत दिलो उनमें रिश्तेदारी उनमें आनो जानो उनमें सब कुछ होनी खानो पीनो सब कुछ होनी बाहर दिल्ली एक राजा ना देख दिल्ली कुत्ता ना बिल्ली अच्छा दादा कोई मेवन की बहादुरी की बात सुना दे बहादुरी की नायक तो मैंने कही है अच्छा मैंने सुनी अकबर बादशाह ने तिहारे ऊपर हमलो कियो मेवन के ऊपर ऐसा हुआ भाई मेरी बात सुन अकबर बादशाह ने हम लोग करो हो तो एक लड़की ले गो हाँ। सारी कॉमन की लड़की ले आती हाँ। तो जब मेवन ने कही भाई तो बहुत बुरी हुई एक लड़की ले गो हाँ। फिर एक दादो बहाड़ हुई एक छिड़क रहो तो कौम में अच्छा वह ने कही मैं लाऊंगो अच्छा तो उन्होंने जब आकर सारा कर हाथ चोरी उन पे ही गोहो गो रहे ना जो जस संगोड़ बोले हैं अच्छा वहाँ के जरिए चोरी करे आवे तो वह फेंक दे चिमट जावे चढ़ जावे सांस अच्छा उस सड़ान पे उसने मंगाई गोह और गो ले रहे जब वो दिल्ली लू गए महलन में अच्छा। महलन में कैसे जा सके कोई जब मैंने गोह फेंकी है जब चढ़ के जब मैंने देखिए
तो तेरी रानी बाके बादशाह के भुतेर वने देखे जाके नाथ ना बिंद रही है में उन्हें नाथ ना बिंद मावे में हो वाने फिर देखे कि ऐसे तो मैं बाहर हूँ वैसे चुप करके लेके आ गया लेके आ गया हूँ राजा भी लिया क्या बात है मैं फैसल अली मेऊ मैं शुक्रगुजार हूँ दादा नूर मोहम्मद नंबरदार का कि उन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया और मेरा इस स्टोरी से किसी का दिल आजारी नहीं करना ये एक बाबा जी के अपने व्यू हैं कोई किसी को कोई रह गई हो गलती कोताही माजरत चाहते हैं तो लेकिन किसी की दिल आजारी करना हमारा मकसद नहीं है हमारा मकसद है मेऊ कौम को ज़रा फ्रंट पे लाना तो हम दादाजी के बहुत शुक्रगुजार हैं दादाजी ने हमें वक्त दिया अपना कीमती वक्त अच्छा दादाजी ठीक है फिर बहुत अच्छा यार ठीक है भाई ठीक है दादाजी फिर आपको बहुत शुक्रिया हमारा छोटा बच्चा उन्हें भी पता चले कहाँ कहाँ कैसे कैसे मिले।